आपको इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में तो जरूर पता होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि अगर हम किसी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को आपस में क्रैश करते हैं तो क्या होगा? तो आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में जानेंगे कि अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को आपस में टकरा दिया जाए या क्रैश कर दिया जाए तो क्या होगा। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। बेसिकली इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को हम अपने आंखों से नहीं देख सकते, तो छूना तो दूर की ही बात है। तो इसीलिए अगर हमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को क्रैश करवाना है तो हमें एक बड़े मशीन की आवश्यकता होगी, और वो मशीन इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है और उस मशीन का नाम है द लार्ज हाइड्रॉन कोलाइडर। इस लार्ज हाइड्रॉन कोलाइडर से हम किसी भी पार्टिकल को आपस में टकरा कर उससे जान सकते हैं कि उसके टकराव के बाद क्या होगा। तो हम अगर चाहते हैं कि हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को आपस में टकरा कर देखें कि उसके बाद क्या होगा, तो हमें इसी मशीन की जरूरत पड़ेगी। बड़े बड़े साइंटिस्टों ने इसी मशीन की आवश्यकता से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और कई तरह पार्टिकल्स को आपस में टकरा कर देखा, जैसे प्रोटॉन टू प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन और बहुत सारे पार्टिकल्स को आपस में टकरा कर देखा। लेकिन आज हमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के टकराव के बाद क्या होता है उसे जानना है। तो बड़े बड़े साइंटिस्टों ने इस एक्सपेरिमेंट को किया और उन्होंने ये जवाब दिया कि जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में टकराते हैं वो भी हाई स्पीड से, तब इस टकराव के बाद एक न्यूट्रॉन और एक न्यूट्रिनो गामा रेस उत्पन्न होती है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो और हेल्पफुल हो, और अगर आपको इसी तरह के मजेदार नॉलेजेबल वीडियोस को देखना है तो आप ऊपर के आई बटन को क्लिक करके आप देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और कमेंट जरूर करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और हमारा अगला जो वीडियो होगा वो उस वीडियो का टॉपिक कि आँख क्यों जलता है, फायरिंग क्यों होता है। तो वीडियो को लाइक करते रहिए, देखिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।